सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू वन अदर वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर में आने वाले कुछ नए इंटरेस्टिंग इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में, जो गाइज आपको बहुत जल्द हमारे सर्वर में देखने के लिए मिलने वाला है। सो गाइज, क्या कुछ नया इवेंट आने वाला है, क्या कुछ नया आपको रिवॉर्ड देखने के लिए मिलने वाला है, सो गाइज इस वीडियो में हम पूरे डिस्कस करने वाले। सो गाइज, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देख लेना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्री फायर के रिलेटेड ऐसे आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिलते रहेंगे। एंड गाइस, इस वीडियो में आपको टोटल 2 गिवअवे देखने के लिए मिलने वाला है। अगर हमारा लाइक गेम कंप्लीट हो जाता है, आपको एक वीकली मेंबरशिप का गिवअवे देखने के लिए मिलने वाला है। सो गाइस, इस वीडियो का लाइक गेम रखते 700 का आई होप आप कंप्लीट करवा दोगे। आपकी जितने भी ईमेल आईडी है उसे एक एक लाइक कर देना, हमारा लाइक गेम भी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। एंड गाइस, और एक गिवअवे आपको रैंडम कमेंट पिकर से देखने के लिए मिलने वाला है, पर उसके लिए आपको कमेंट का जो टारगेट है गाइस 400 कमेंट्स का कंप्लीट करना पड़ेगा। तो गाइस जल्दी से कंप्लीट भी कर देना, के साथ साथ अपना यूआईडी कमेंट में मेंशन कर देना। तो गाइस जरूर से पार्टिसिपेट कर देना गिव अवे में। चले वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं हमारे फर्स्ट अपडेट के बारे में, जो होने वाला है आने वाले इंक्यूबेटर स्किन, जिसमें आपको लेजेंडरी M60 का गन स्किन देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड गाइस, ये जो थीम होने वाला है रैम्पेज का थीम होगा। एंड गाइस, जैसे आप देख सकते हो स्किन आपको इस टाइप का देखने के लिए मिलने वाला है, जो गाइस देखने में काफ़ी ओपी लग रहा है। एंड गाइस, अगर हम बात करेंगे इसके एनिमेशन के बारे में, एनिमेशन वगैरह काफ़ी सही देखने के लिए मिलने वाला है। एंड गाइस, अगर हम बात करेंगे इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, जो गाइस टॉप गन स्किन में आपको डबल डैमेज, सिंगल रेट ऑफ फायर, उसके साथ साथ मैगजीन माइनस देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, जैसे आप सभी को पता है, अगर इंक्यूबेटर किसी चीज़ का भी आता है, अगर आप टॉप मतलब बंडल या टॉप गन स्किन निकालोगे, उसमें आपको सबसे अच्छा मतलब एट्रीब्यूट्स या एनिमेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। सो गाइस, वही मतलब सेम इधर भी होगा, आपको M60 अगर टॉप वाला निकालते हो, आपको काफ़ी अच्छे एट्रीब्यूट्स देखने के लिए मिलने वाला है। एंड गाइस, अगर हम बात करेंगे सेकंड टॉप स्किन के बारे में, जिसमें आपको डबल रेट ऑफ फायर, सिंगल एक्यूरेसी प्लस देखने के लिए मिलेगा। एंड गाइस, ये भी काफ़ी ठीक है, मतलब उतना बुरा भी नहीं है। तो गाइस, स्किन आपको इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। तो गाइस, दोनों स्किन काफ़ी सही है, अगर आप निकालना चाहते हो टॉप की दो स्किन निकाल लेना अगर हो सकता है तो। अगर हम बात करेंगे थर्ड स्किन के बारे में, जिसमें आपको रेंज प्लस और आर्मर पेनिट्रेशन आपको डबल प्लस देखने के लिए मिलने वाला है। सो गाइस, इसमें भी आपको मैगजीन माइनस देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, थर्ड वाला स्किन आपको इस टाइप का देखने के लिए मिलने वाला है। सो गाइस, एनिमेशन थोड़ा सा कम है जैसे आप देख सकते हो। एंड गाइस, अगर आप बोलोगे लास्ट स्किन में आपको मतलब क्या एट्रीब्यूट देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें आपको सिंगल डैमेज, डबल रेंज देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें आपको मूवमेंट स्पीड माइनस देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस, टॉप के जो दो स्किन है उसका एट्रीब्यूट्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी ओपी लग रहा है। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके बता देना। एंड गाइस, अगर आप स्किन को निकालना चाहते हो, आपका काफ़ी सारा डायमंड वेस्ट होने वाला है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टोन है तो गाइस काफ़ी सही बात है, आपको सिर्फ ब्लूप्रिंट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास स्टोन नहीं है तो गाइस आपका काफ़ी बुरा हाल होने वाला है, इसमें आपका काफ़ी सारा डायमंड वेस्ट होने वाला है। सो गाइस, आपको इसके बारे में क्या लगता है, क्या इस स्किन को आप निकालने वाले हो, नीचे कमेंट करके बता देना। सो गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे आने वाले नए कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है DB, जो गाइस आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस, इसको गरेना ने ऑफिशियली अनाउंस किया था OB28 अपडेट के बाद। सो गाइस, ये कैरेक्टर आपको इस टाइप का देखने के लिए मिलने वाला है। एंड गाइस, जैसे आप देख सकते हो फिलहाल एक सर्वर में इसको क्रेड की सेक्शन में अवेलेबल कर दिया गया, जिसमें आपको मतलब रैंडमली कोई एक कैरेक्टर मिल जाएगा, हो सकता है परमानेंट भी मिलेगा या 7 दिन के लिए या 24 आवर्स के लिए तक मिल सकता है। एंड गाइस, अगर हम बात करेंगे हमारे सर्वर के बारे में, सो गाइस हमारे सर्वर में प्रोबेबली इसको टॉप अप एंड में अवेलेबल किया जा सकता है, उसका चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो गाइस, अगर हम बात करेंगे इसके स्किल के बारे में, जैसे आप देख सकते हो अगर आप फायर करते करते मूव कर रहे हो, आपका मूवमेंट स्पीड इंक्रीज होगा, उसके साथ साथ आपका एक्यूरेसी भी इंक्रीज होने वाला है। तो गाइस, अगर इसको मैक्स करते हो तो गाइस जैसे आप देख सकते हो इसका जो एजिलिटी गाइस 15% तक बढ़ जाएगा। एंड गाइस, एक्यूरेसी 35% तक बढ़ जाएगा। तो गाइस, काफ़ी ओपी लेवल का मतलब कैरेक्टर होने वाला है। एंड गाइस, जैसे आप देख सकते हो ये पैसिव कैरेक्टर होने वाला है, इसका मतलब आप कोई भी कैरेक्टर में इसको यूज़ भी कर सकते हो। सो गाइस, काफ़ी अच्छा लेवल का मतलब कैरेक्टर आने वाला है। तो गाइस, मैं तो इसको डेफिनेटली लेने वाला हूँ, क्या आप इसको लोगे कमेंट करके बता देना। एंड आजकल इतने सारे कैरेक्टर आ चुके हैं, तो गाइस स्टिल आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मेरा तो क्रोनो है, मैं क्रोनो यूज़ करता हूँ। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है नीचे कमेंट करके बता देना। तो गाइस, नेक्स्ट हम बात करेंगे लेवल अप स्टोर इवेंट के बारे में। तो गाइस, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखा है तो गाइस मैंने आपको रिव्यू करके दिखाया था, लगभग एक दो सर्वर में मतलब गरेना ने फिर से लेवल अप स्टोर दिया है कंटिन्यूसली। एंड गाइस, और एक सर्वर में गरेना ने जैसे आप देख सकते हो, पर इस बार गरेना मनी हाइस्ट के बंडल के साथ लेवल अप स्टोर को अवेलेबल कर दिया गया है। एंड गाइस, आप में से कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि ये सारे बंडल आपको फिर से देखने के लिए नहीं मिल सकते क्योंकि स्पेशल कोलैबोरेशन था। तो गाइस, अभी मैं आपको बता देता हूँ, गरेना में कुछ भी रेयर नहीं है, जब भी गरेना का मन होता है वो फिर से बंडल या कोई भी इवेंट गरेना दे सकता है। तो गाइस, जैसे आप सभी को बताया लेवल अप स्टोर के बारे में, जिसमें आपको हर लेवल पे अलग अलग डिस्काउंट मतलब मिल जाता है, लगभग आपको 80-90% का अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है।
एंड गाइस अगर ये इवेंट मान लो 20th के पहले आ जाता है उसमें आपको एलीट पास देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर 20th के बाद आता है उसमें आपको एलीट पास को अवेलेबल कर दिया जाता है। तो गाइस जैसे इधर आप देख सकते हो इधर आपको मनी हिस्ट के जो मेल फीमेल बंडल को अवेलेबल कर दिया गया, उसके साथ साथ कुछ बंडल मिल रहा है, इमोट मिल रहा है एंड गाइस कुछ ग्लोबल का स्किन भी देखने के लिए मिल रहा है। पर जब इवेंट हमारे सर्वर में आएगा इसमें आपको मतलब ऑब्वियसली चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस देखते यार गरेना हमारे सर्वर में कौन सा बंडल देता है एंड गाइस क्या क्या रिवॉर्ड देने वाला है। सो गाइस मान लो अगर इस इवेंट हमारे सर्वर में आ जाता है तो गाइस अगर 20 से पहले आता है इसमें आपको एलीट पास देखने के लिए नहीं मिलेगा, अगर 20th के बाद आता है इसमें आपको डेफिनेटली एलीट पास डिस्काउंट में देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस इस मंथ में एलीट पास डिस्काउंट में मिलने का काफी ज्यादा हाई चांसेस है, या तो आपको लेवल अप शॉप में मिलेगा या आपको मिशन शॉप पे देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस चांसेस है तो गाइस अपना डायमंड वेस्ट मत करना 400-500 डायमंड मतलब एलीट पास में लगा के, वेट कर लेना डिस्काउंट इवेंट के लिए। तो गाइस देखते हैं गरेना इस मंथ हमारे सर्वर में कौन सा इवेंट लाने वाला है। सो गाइस इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बता देना। सो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है इस वीडियो को लाइक कर देना एंड गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर देना, पार्टिसिपेट कर देना, गिव अवे में आपको वीकली मेंबरशिप भी मिल सकता है। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।